गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। बीवी को बोलूंगा तो वो सीधी तरह से तो बनाएगी नहीं, आखिर वो एक स्त्री है। क्या करूं, आइडिया। इतने पैसे, यही मौका है। बेबी बैंगन का भरता बनाओ, आपका फेवरेट, फिर तो विंटर खत्म हो जाएगा, फिर गर्म पड़ेगा ना, अभी बना लो। बैंगन का भरता, अच्छा आइडिया है, बना दो। पर बैंगन नहीं है, जाके लेके आइए ना। बाहर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं फिर रहने दो, एक काम करो, जो घर पे पड़ा है उसमें से ही कुछ बना दो। क्या करूं, इनको लुभाना तो पड़ेगा, तभी यहाँ से उठेंगे। तो आपका फेवरेट गाजर का हलवा बनाओ, गाजर है घर पे। गाजर का हलवा, हाँ भले बना दो। हाँ पर आप बाहर से आए, थोड़े मतलब धूल वूल चिपके, जाके मस्त फ्रेश होके आए, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ तो मैं फ्रेश होके आता हूँ। रन। आज खाने में क्या बनाया है? टिंडे की सब्जी। अरे हम दोनों को ये सब्जी नहीं पसंद। खाना है तो खाओ, यही मिलेगा। टिंडे याची, अरे कुछ कहो ना मम्मा को। अरे मैं क्या कहूँ, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया। क्या बात है संदीप? संदीप, अच्छा तू अभी आ रहा है? अच्छा, अरे वाह भाई आ रहा है, फिर तो मैं उसके फेवरेट समोसे बनाऊंगी। अरे तुम तो टिंडे बोल रही थी, ये समोसे क्यों बनाए? अरे मेरा भाई संदीप आ रहा है ना, उसको समोसे बहुत पसंद है। अरे तेरा भाई संदीप नहीं, मेरा फ्रेंड फॉरेन से वापस लौट रहा है, उस संदीप से बात कर रहा था। क्या? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम? मैं भी ठीक हूँ। आई मिस यू। आई मिस यू टू। अच्छा कर क्या रहे हो तुम? अरे वो टेलीविजन सीरीज देख रहा हूँ, द ब्यूटी एंड बीस्ट। बेबी अगर तुम बीस्ट भी होते ना तो भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करती। हाउ स्वीट। तुम भी अगर ब्यूटी होती तो भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करता। हाउ स्वीट। रोज बीवी कोई ना कोई गलती निकालती है, आज तो मैं उसको मौका ही नहीं दूंगा गलती निकालने का। नींद से उठ के ब्लैंकेट सही जगह पे रख दिए, चेक। शेविंग करके दाढ़ी का सामान सही जगह पे रख दिया, चेक। स्नान करके टॉवल सही जगह पे रख दिया, चेक। कल बेड पे रखा था, बहुत चिल्लाई। ब्रेकफास्ट करके प्लेट सिंक में डाल दी, चेक। ऑल चेक। कितनी बार कहा है न्यूज़पेपर ढंग से रखा करो। मैं फिलहाल तो बहुत गरीब हूँ, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ मैडम जी। लेकिन मेरे दादाजी हमारी पुरानी हवेली पे 2.25 करोड़ मेरे नाम पे छोड़ के गए। अरे लेकिन मेरी जो बीवी है वो 1 महीना पहले ही भाग गई घर छोड़ के। लेकिन आग लगने की वजह से वो पुरानी हवेली जल गई। अरे लेकिन वो कल ही वापस आ गई, अनफॉर्चुनेटली। बाय। अरे सॉरी बाबा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। उसको वापस से जोड़ लो। अच्छा तुम्हारे पास ग्लास है? हाँ होगा। उस ग्लास को जोर से जमीन पे पटक दो। अब बताओ क्या तुम ग्लास के इतने सारे टुकड़ों को वापस जोड़ सकते हो? तो मेरा दिल कैसे जुड़ेगा? अरे बेबी ग्लास तो टूटा ही नहीं, ग्लास तो स्टील का था। अरे कितनी बार कहा है तुम्हें, इस सोसाइटी में इतनी चोरियां होती है, इस सोसाइटी में हमेशा चप्पल अंदर उतारा करो, बाहर नहीं। हाँ हाँ मैं, रुको एक मिनट। अरे बाप रे, सगाई की फोटो, बीवी मेरा बैंगन का भरता बना देगी। आइडिया। ओ प्रकाशवती, क्या हुआ? अरे वो तुम बोलती हो ना कि कांता भाई पे थोड़ा सा ध्यान ना दो तो काम इधर उधर कर देती है। क्यों, क्या किया कांता भाई ने? अरे वो अपनी जो सगाई की फ्रेम है ना वो तोड़ दी उसने, चुपचाप से साइड में लगा दी थी जैसे पता ही ना लगे, बहुत चालाक है वो। हमारी सगाई वाली फोटो? कल तो कांता भाई की खैर। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलना, दो काम वाली वैसे भी भाग गई है, बुरा लगेगा उसे, गरीब है वैसे भी बेचारी। हाँ
ये भी सही है। चलेगा, जाने दो अभी। बेचारी से हो गया होगा। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। अरे अब क्या गलती कर दी हमने? चार दिन हो गए, चार दिन आपने कोई गलती भी नहीं की और मुझसे लड़ाई भी नहीं की है। चल क्या रहा है? हेलो हेलो हेलो, छोड़ो सब, ये मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मुझे रवीना ने सब बताया। अब इस रवीना ने कौन सी आग लगाई? अरे अब क्या कहा रवीना ने? यही कि वो बी विंग के फर्स्ट फ्लोर वाली मधुलिका के साथ अब गार्डन में बैठे थे सोसाइटी के। क्या फुसुर फुसुर कर रहे थे उसके साथ? वो पड़ोसी के नाते बैठे थे साथ। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, वो आपकी बहन है या गर्लफ्रेंड है? ये तो अभी कैसे, अभी बहन है या गर्लफ्रेंड? ऐसा कुछ रिश्ते के बारे में साफ नहीं किया है अभी उसने। क्या मतलब बताया नहीं है? बेबी मेरा मतलब था कि वो ऐसे ही पड़ोसी के नाते सुख दुख की बातें शेयर कर रहे थे। अच्छा, सुख दुख की बातें? घर पे आइए आप, हम करते हैं सुख दुख की बातें। खैर नहीं है आज तो आपकी। मर गया आज तो बॉस, एक्स्ट्रा काम है क्या आज? मैं रात तक रुकने के लिए तैयार हूँ।